अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अर्शिया खान फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स और हमेशा की तरह आज भी हम वीडियो में एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग सी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे स्टडी के हवाले से। आज जो है हम बात करेंगे अबाउट स्टडी MBBS इन चाइना। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे कि मिथ है, मेरे ख्याल से मिथ ही है कि भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन्हें पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते वो चाइना चले जाते हैं। एक तो ये बात होगी और दूसरा कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग बैठे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को डीग्रेड करने के लिए या उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कि भाई आपका ख्वाब तो है डॉक्टर बनना, MBBS करना, लेकिन आपका पाकिस्तान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया और आप जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन फ़ी वगैरह जो भी है टोटल कॉस्ट वगैरह आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते। चाइना आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप सस्ते में जो है MBBS करें और आप पाकिस्तान में वापस आके लाइसेंस ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ चाइना आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा ख्वाब टूटता है टूटे, आपने चाइना नहीं जाना। ये वो लोग होते हैं आई बिलीव जो कि ख़ुद पाकिस्तान से बाहर कहीं गए नहीं होते या फिर जिन्होंने चाइना विज़िट नहीं किया होता और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके आगे मेडिकल स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए आपने चाइना नहीं जाना पढ़ने के लिए। ऑल दो चाइना आपको लो कॉस्ट बजट ऑफ़र कर रहा है MBBS को लेके, आपको वापस पाकिस्तान में आके अपने करियर को परस्यू करने के लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ऑफ़र कर रहा है कि आप पाकिस्तान में आके जो है वो डॉक्टर का लाइसेंस ले सकते हैं, अदर फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है। तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चाइना की अचीवमेंट्स को लेके, जिसको सुनने के बाद या जानने के बाद आप खुद जो है वो सोच समझ सकेंगे कि भाई मेडिकल स्टूडेंट्स को चाइना जाना चाहिए पढ़ने के लिए या नहीं। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है और इसी के साथ साथ फुली डेवलप्ड कंट्री है। चाइना जो है वो लीडर कंसीडर किया जाता है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में। इसके अलावा जो है चाइना ग्लोबली नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबली ट्रेडिंग करता है चाइना। चाइना में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म मौजूद है, यहाँ जहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो डेवलप की जाती है पूरी कंट्री के लिए। इसके अलावा चाइना जो है वो सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है बाय सेंडिंग पांडास टू द अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ को ये पांडास भेजते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ चाइना के बारे में तो स्पेस तक चाइना जा चुका है। चाइना हर फील्ड में बीट कर रहा है, चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है रैंकिंग में, चाहे एजुकेशनल सिस्टम को देखा जाए, चाहे टेक्नोलॉजिकली देखा जाए या फिर मुल्क की तरक्याती काम में देखा जाए, चाइना जो है वो हर फील्ड में जो है वो बीट कर रहा है। तो आप खुद देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे आपको जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं चाइना में जाके, क्या आपको MBBS या कोई भी डिग्री करने के लिए चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अभी COVID-19 आया था, COVID-19 के बाद जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं शायद जिनकी वजह से आज हम जिंदा बैठे हुए, आप जिंदा बैठे हुए वैक्सीन्स लगवाने के बाद, तो ये भी कंसिडर किया जाता है कि वो World War III चाइना ने ही जीती है क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन चाइना ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं चाइना की। और इसके अलावा अगर मैं मेडिकल के हवाले से बात करूँ तो चाइना स्टूडेंट्स को लो कॉस्ट बजट ऑफ़र करता है, वो ऐसे कि अगर आप पाकिस्तान में आपका एडमिशन नहीं हो पाता किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो आप क्या करेंगे, आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएंगे जहाँ की फ़ी आपको 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख इस तरह आपको एक साल की मिलेगी, जबकि चाइना आपको इसकी बहुत बल्कि इसकी हाफ़ की भी हाफ़ आपको ऑफ़र करता है। मैं आपको बताऊंगी वीडियो के मिड में जाके कि आपको कितनी फ़ी ऑफ़र की जाती है। अच्छा, अब चाइना में मेडिकल को लेके हम डिस्कस कर रहे थे तो लैंग्वेज बैरियर आता है, हर कंट्री में आता है, आइल्स करने पड़ते हैं आपको, अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन कोर्स करना पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर डेफिनेटली आता है। बट चाइना में जो है वो आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, सारा MBBS आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
चाइना इज़ सो फ्रेंडली कंट्री जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया बहुत ही आसानी से बीट करने वाला सेट किया गया है। ऑल दो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है, लेकिन चाइना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं। यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स को सेम आपको प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ में होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाइसेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। थर्ड ईयर में आपको जो है वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में जा जा के इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट्स आते हैं एंड ऑल द मेडिकल स्टफ़। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो चाइना में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता। वहाँ पे स्टूडेंट्स को उनके मेंटल पीस के लिए थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अच्छा, वहाँ जो चाइनीज़ हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं उनको तो आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी जो है वो किसी लेवल तक की फ़िज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। डेफिनेटली एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उसके माइंड सेट का पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपका दिमाग जो है वो पुरसकून रहेगा तो आप मेडिकल कर सकते हैं। 5 साल का जो होता है वो इनका थ्योरी बेस्ड कोर्स होता है, 6 साल का टोटल जो है वो टाइम पीरियड है, जिसमें 5 साल आपको थ्योरीज और इन शॉर्ट मेरे को डिग्री आपकी कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन 1 साल जो है वो आपकी हाउस जॉब या इंटर्नशिप होती है, और चाइना के बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद फैक्ट्स बताऊँ एमबीबीएस चाइना को लेके, तो यहाँ पे आपको मेंटली प्रेशराइज नहीं किया जाता एग्ज़ाम्स को लेके, स्टडी को लेके। यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर सिखाया जाता है हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। आपको जो है ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि आप जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और आपकी लाइफ अपनी लाइफ को आप कैसे पुरसकून बना सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और चाइना की जो डिग्री है एमबीबीएस की वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो आई थिंक ये इनफ पॉइंट्स हैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि चाइना इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टडी, या स्पेशली एमबीबीएस को लेके मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो चाइना कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स बिकॉज फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है मेडिकल को लेके, बाकी कंट्रीज़ में जितनी होती है उससे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल है। इसके अलावा सेफेस्ट कंट्री है, और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डिग्री है, इंग्लिश में आपको पूरा एमबीबीएस करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी बेनिफिट्स हैं जो आपको चाइना में एमबीबीएस करने के बाद हासिल होते हैं। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है चाइना में एमबीबीएस करने का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, एफएससी इन प्री मेडिकल और मैट्रिक की मार्कशीट आपको चाहिए, और आपका पासपोर्ट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी को मेल करने होते हैं, एंड देन आपको यूनिवर्सिटी जो है वो इनविटेशन लेटर भेजती है, जिसमें आपकी फ़ी वगैरह लिखी होती है और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। वो फ़ी जब आप सबमिट करा देते हैं तो तब आपको JW-202 मिल जाता है, जो कि बेसिकली होता है कन्फर्मेशन लेटर होता है स्टडी को लेके कि यार आपका जो है वो एडमिशन हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है वीज़ा प्रोसेस का। आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है, अगेन आपने जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, आपको वीज़ा के लिए पासपोर्ट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए $5,000 से लेकर $6,000 की चाहिए, आपके मार्कशीट्स आपको चाहिए, जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका मेडिकल चाहिए। तो ये एक चेकलिस्ट है जिसे आप फुलफ़िल करते हैं और फिर आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका 1 से 2 हफ्तों में हो जाता है, और जो आपका JW-202 आता है वो विद इन अ मंथ आ जाता है, और वीज़ा प्रोसेस जो है वो हार्डली 20 से लेकर 25 डेज में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो है वो हम बात करते हैं कि फी कॉस्ट कितनी आती है। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो आपके करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं सिर्फ मेडिकल के 5 साल या 6 साल को कम्प्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपकी 1 साल की जो फ़ी कॉस्ट आती है वो आती है 8 से लेकर 10 लाख रुपए, यानी कि आपको 1 साल की जो फ़ी चाहिए वो 8 से 10 लाख रुपए चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 60% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको मेडिकल के लिए, लेकिन समहाउ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बिलो देन 60% पे आपको एडमिशन दे देती हैं।
अब जो है वो इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ अबाउट पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है पार्ट टाइम जॉब को लेके। तो चाइना थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है। वैसे तो मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स में इंटरेस्टेड होते नहीं है, क्योंकि मेडिकल इट्सेल्फ जो है वो एक बहुत ही हार्डेस्ट टास्क होता है, बहुत टफ टास्क होता है उनकी लाइफ का, और वो अपनी ज़िंदगी के ये 5-6 साल जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई में गुजार देते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स का क्या वहाँ पे हिसाब किताब होगा, तो पहले तो चाइना पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड नहीं करता था, बट अब जो है वो चाइना ने पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड कर दी हैं। बट फॉर दैट पर्पस स्टूडेंट्स को NOC लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, जो कि लेना काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको NOC मिल भी जाता है तो आप एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब्स को लेके वहाँ पे थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी वहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले जो जॉब आती है वो आती है इंग्लिश टीचिंग की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो जॉब मिल जाती है। देन उसके बाद जो जॉब आ जाती है वो सेम है कि आपको होटल्स में जॉब मिल जाएगी, आपको जो है वो ड्राइविंग की जॉब्स मिल जाएंगी, फिर थोड़ा बहुत जो है वो लैंग्वेज का भी बीच में कंसर्न आ जाता है। तो इनिशियली आपको इसी तरह की जॉब्स मिलती हैं, लेकिन जो मेन जॉब वहाँ पर कंसिडर की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश टीचिंग की जॉब की जाती है। अब बात करते हैं कि आपकी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे एक स्टूडेंट की 150 से लेके $200 तक आती है, जो कि मोर देन इनफ होती है वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो सकती है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि अगर वो MBBS कर लेते हैं चाइना में, तो क्या वो पाकिस्तान में आके जो है अपनी डिग्री को लेके अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, उन्हें डॉक्टर का लाइसेंस मिल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा है, आपको जो है वो वहाँ पे MBBS करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाती है कि आप पाकिस्तान में आएँ, आप PMDC में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, जो कि NLE का एग्ज़ाम होता है, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर करना है और देन जो है वो आपको जॉब मिल जाएगी। 12 कंसल्टेंट्स जो है वो चाइना में MBBS को डील करता है। वी हैव द बेस्ट ऑप्शंस, कोई 9 to 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जिन्हें हम MBBS को लेके डील करते हैं, और बहुत इजीली आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ जो कि चाइना में हैं MBBS को लेके। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी MBBS को लेके। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मेडिकल करना चाहते हैं तो आपने अपने अंदर इस जज्बे को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि चाइना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी MBBS को लेके, बहुत सस्ती फी ऑफर कर रहा है। आप पाकिस्तान में आके डॉक्टर बन सकते हैं, आपको हॉस्पिटल्स में जो है वो जॉब्स मिल सकती हैं। तो आई थिंक आपको और क्या चाहिए, आपको जो है वो बहुत सस्ता मेडिकल ऑफर किया जा रहा है चाइना में। अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता तो आप जो है वो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।